बेटा ये 100 रुपए का मेरा भी सामान है, इसकी भी पेमेंट कर दो। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं आपके सामान की पेमेंट क्यों करूँगी? बेटा मैं ना तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, पर अभी के लिए तुम कर दो, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गई। ओ हेलो आंटी, आजकल नहीं मॉडर्न तरह के स्कैम्स ना बहुत चले हुए हैं। दिखने में अच्छी खासी लगती हूँ, हर कोई तुम्हारे झांसे में आ जाता होगा कि 60-70 रुपए की तो बात है, कहाँ ही मार लेगी पैसे। लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं, ऐसे स्कैम्स ना मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में अपना वॉलेट लाना भूल गई हूँ, इसीलिए तुमसे मदद मांग रही हूँ। तुम्हारी माँ की उम्र क्यों, विश्वास नाम की भी तो कोई चीज होती। आंटी ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है, इतना ही शौक है ना हेल्प लेने का, तो कटोरा लेके बाहर क्यों नहीं बैठ जाती? जितनी भीख इकट्ठी होगी ना आके इसको दे देना। ये क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें तो बात करने की तमीज ही नहीं है। जी नहीं, मुझे नहीं है तमीज बात करने की, यही मेरा नेचर है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, कोई प्रॉब्लम? कल को तुम्हारी शादी हो गई हो तब भी तुम ऐसे ही बात करोगी? हाँ ऐसे ही बात करूंगी मैं उनसे भी, और अपने सास ससुर को ना अपने जूते के नीचे रखूंगी। आई बात समझ? कितनी रूढ़ हो तुम। बेबी कब आएंगी तुम्हारी मम्मी? बस आ ही रहे होंगे, और सुनो आज उन्हें अच्छे से इम्प्रेस कर देना ताकि जल्दी से हमारी शादी हो जाए। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मम्मी के लिए कितना प्यारा सूट लेके आई हूँ। ये बुढ़िया, क्या बोला तुमने? आई मीन ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ ये मेरी मम्मी है, और तुम इन्हें पहले से कैसे जानती हो? अरे बेटा ये क्या बताएगी तुम्हें, मैं बताती हूँ, मैं इसको पहले मिल भी चुकी हूँ और बहुत अच्छी तरह से परख भी चुकी हूँ। आप कब मिले इससे? तुम्हें याद होगा तुमने मुझे इसकी फोटो दिखाई थी और इसके बारे में बताया था, तब से मेरे मन में था कि आजकल की लड़कियां जो है ना वो ऊपर से कुछ और होती हैं और हकीकत में कुछ और। मुझे एक ऐसी मॉडर्न बहू चाहिए थी जो आजकल के जमाने के हिसाब से रहे, लेकिन जिसे बड़ों की इज्जत करनी भी आती हो। इसीलिए मैंने इसका एक छोटा सा इम्तिहान लिया था जिसमें ये बुरी तरह से फेल हो गई है। तुम्हें उस दिन पता था ना कि मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं की, और ऊपर से मुझे ये बोला कि तुम अपने सास ससुर को अपने जूतों के नीचे रखोगी, उनको भी ऐसे ही बेइज्जत करोगी। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम तो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, तुम इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करोगी। आंटी जी आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इनके मम्मी हो, मैं आपके साथ ऐसा गंदा बिहेवियर कभी भी नहीं करती। ये क्या बात हुई, अगर मैं इसकी मम्मी हूँ तुम तभी मेरी इज्जत करोगी? अरे बड़ों की इज्जत तो हमें वैसे भी करनी चाहिए, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है। बेटा मैं मानती हूँ कि तुम इससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये जो प्यार होता है ना ये बहुत थोड़े से टाइम का होता है, और थोड़े टाइम के प्यार के लिए ना तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगी, तुम इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करोगे। ये ना आपकी बातों में नहीं आने वाला, आपको क्या लगता है कि आप इन्हें बोलोगे कि मुझसे शादी नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा क्या? बिल्कुल हम शादी नहीं कर सकते, तो मुझे सिर्फ 6 महीने पहले मिली, लेकिन मेरी माँ ने बचपन से मुझे पाल पोस के मुझे बड़ा किया, हम दोनों से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन्हें, और इंसान की परख भी ज्यादा अच्छे से आती है, और तुमने इनकी बेइज्जती की है, और अब अगर मेरी माँ ने ये फैसला ले ही लिया है तो यही आखिरी फैसला होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो, अपनी माँ के पीछे लग के तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं किसी के पीछे नहीं लग रहा, उन्होंने तुम्हें परखा है और तुम्हारी असलियत मुझे बताई, हमारी शादी नहीं हो सकती, यू मे लीव प्लीज। दोस्तों मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूल जाएं। हमें मॉडर्न तौर तरीकों को अपनाने के साथ साथ अपने कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए, और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। इस वीडियो का मैसेज अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।